सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले कोलकाता पुलिस रैली स्थल पर पहुंच गई है और परमिशन के पेपर्स मांग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने स्टेज से जुड़े परमिशन मांगे हैं और पेपर ना देने पर मंच को तोड़ने को कहा है। इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता रैली स्थल पर अड़े हैं। अमित शाह आज उत्तरी कोलकाता में रैली करने वाले हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज उत्तरी कोलकाता के धर्मतल्ला में उनका रोड शो है। रिपोर्ट के मुताबिक रैली स्थल के पास माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस वालों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कोलकाता पुलिस और राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी सड़कों से पीएम मोदी और अमित शाह का पोस्टर हटा रहे हैं। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने आरोप लगाया है कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ममता सरकार के समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।